अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। मैं इस वक्त नून मोटर्स मुल्तान रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख रहे हैं हैवल जूलियन 2021 मॉडल। 6 माह पहले ये गाड़ी पाकिस्तान में आई है और अब ये बकायदा शोरूम की जीनत बन गई है। ये गाड़ी कैसी है, इसका कम्फर्ट लेवल कैसा है और इस गाड़ी में फीचर्स कैसे हैं, आइए इस पर बात करते हैं। हैवल जूलियन GWN, ये कंपनी का नाम है या गाड़ी का नाम? ये ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी का नाम है। हैवल इनका ब्रांड है और जूलियन इनका एक स्पेसिफिक मॉडल है। इस गाड़ी का जितना रोमांटिक नाम है, क्या इसके फीचर्स भी उतने ही रोमांटिक हैं? बिल्कुल, इसके नाम के साथ मैच करते हैं इसके फीचर्स। पाकिस्तान में कोई SUV इतनी लोडेड इन फीचर्स के साथ नहीं आई। इसमें डिस्टिंक्टिव ऐसे फीचर्स हैं जो किसी ब्रांड में नहीं है। साइड लुक से आपको ऐसा लगेगा कि ये एक स्पोर्टेज लुक और आपको एक लग्जरियस इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये ऐसी फील देती है। इस गाड़ी के अंदर आपको कोरियन कोमो के 18 इंचेस के अलॉय रिम्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर क्रोम का काम भी बहुत खूबसूरती से किया गया है। हैवल जूलियन की फ्रंट लुक, इसके अंदर एक बल्की और एक स्पोर्टेज लुक आपको प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर आपको क्रोम की एक ग्रिल नज़र आएगी और इसके साथ बहुत खूबसूरत और लग्जरियस डे लाइट रनिंग LEDs हैं। आपको फ्रंट साइड पे एक रिकॉर्डेड कैमरा मिल जाता है। ड्राइविंग वाली साइड पे भी एज इट इज़ क्रोम के साथ टच दिया हुआ है विद ब्लैक कलर। 1.5 टर्बो लीटर चार्ज इंजन मिलता है जो कि 4 सिलेंडर के साथ मार्केट में अवेलेबल है। स्टेयरिंग व्हील जो कि बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ आपको मिलेगा। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं गोल्डन, ब्लैक, ब्राउन आपको कलर कम्बिनेशन हर जगह पे मिल रही है। आपको इसके साथ साथ आपके पास क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन स्टेयरिंग व्हील पे नज़र आ रही है। उसके साथ आपके पास ये मैनुअली आप यहाँ से सिस्टम की वॉइस अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके बिल्कुल ऊपर जो है हमारे पास पैडल शिफ्टर नज़र आ जाते हैं। ये हमारे पैडल शिफ्टर हैं। 12.3 इंचज की LED स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, गाड़ी के जितने भी फंक्शन हैं ये साथ में आपको बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ ये टच स्क्रीन है सारा। आप यहाँ से मैन्युअली इसको प्रेस करके भी आप फंक्शनेट कर सकते हैं और आप अगर टच स्क्रीन पे भी जाएं तो वहाँ से भी आप इसको फंक्शनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास गियर नोब आ जाती है जो कि इलेक्ट्रिक गियर नोब है जो कि अभी तक किसी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। आपने ब्रेक होल्ड की और ये आप इसको ड्राइव मोड पर ले गए। अगर आप न्यूट्रल करना चाहते हैं या रिवर्स करना चाहते हैं तो ये आपको उस तरह फंक्शनेट करेगी। जैसे ही आपने इसको रिवर्स किया आपके सामने 360 व्यू कैमरा नज़र आ गया और ये आपको उसी तरह से 360 का एक प्रॉपर एंगल देती है गाड़ी ताकि आप इजीली जो है गाड़ी अपनी पार कर सकें, रिवर्स कर सकें। इसको आप अगर होल्ड करना चाहें यहाँ से सिर्फ जस्ट प्रेस करें, गाड़ी आपकी जो है वो पार्किंग लग जाएगी। कितना खूबसूरत इन्होंने कलर कम्बिनेशन के साथ एक बहुत कंफर्ट और बहुत बिल्ट इन क्वालिटी इन्होंने मेंटेन किया है इस फैब्रिक के अंदर। हैंडल देख लें, इसकी साइड व्यू देख लें, हर चीज़ का इन्होंने कलर कम्बिनेशन के साथ साथ बिल्ट इन क्वालिटी भी नज़र आ रही होगी। इसमें आपको हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम जो कि बेहतरीन क्वालिटी का है वो अवेलेबल है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग जो कि साइड कर्टन के साथ आपको आते हैं। हैवल की कलर कम्बिनेशन के साथ आपको इसकी लेदर सीट्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। दो चीज़ें जो पर्सनली पसंद आई हैं, एक तो इसका ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल AC है जो कि पैसेंजर और ड्राइवर दोनों चूज कर सकते हैं और दूसरा इसकी जो फास्ट वायरलेस चार्जर की ऑप्शन है। जैसा कि ये मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे रखा और मेरा मोबाइल ये चार्ज हो रहा है यहाँ पे। गाड़ी आपने मंगवाई आई तो कहाँ तक इसकी टेस्ट ड्राइव आपने की? हमने इनकी फैक्ट्री में जाके टेस्टिंग की। उन्होंने बकायदा एक ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ पत्थरों पे, पानी में, ऊंचाई, चढ़ाई, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से गुजारी जाती है और प्रॉपर टेस्ट की जाती है। वो मैंने खुद भी की थी ताकि इस पर चेक किया जाए सस्पेंशन कैसी है, ब्रेक्स कैसी है, एक्सेलरेशन कैसी है, कैसा रिस्पॉन्ड करती है, शॉक्स कैसे हैं, कितना अब्जॉर्ब करती हैं झटके को, गंदी सड़क को, तो वो सब में इट वॉज़ एक्सेलेंट। इस गाड़ी का रोड क्लियरेंस कैसा पाया आपने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रोड क्लियरेंस है। ये नॉर्मल गाड़ियों से ऊंची है, इसको क्रॉसओवर कहते हैं, SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। इसके जो पार्ट्स हैं और इसकी मेंटेनेंस जो है वो आपने कैसी पाई? गाड़ियों के साथ साथ वो स्पेयर पार्ट्स भी इम्पोर्ट कर रहे हैं और वो हर डीलर्स पे मैंडेटरी होगा कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हों ताकि कस्टमर्स को कभी कोई दिक्कत ना हो। इसकी प्राइस क्या रखी है?
इसकी प्राइस इन्वॉइस वैल्यू है 6048। पेट्रोल टैंक के ऊपर बात करें तो कितने लीटर का टैंक है और ये एक लीटर में कितना करेगी? इसकी एवरेज जो कंपनी से हमें कहा गया बताया गया है वो 8-10 किलोमीटर है सिटी के अंदर, और लॉन्ग रूट पे 12-13 किलोमीटर तक एक्सपेक्टेड है कि करेगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें, नेक्स्ट टेक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।